नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो चलिए लेकर चलती हूँ आज आपको 56 दुकान जो कि बहुत ही फेमस है इंदौर में। चलिए चलते हैं। पुनर, फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। हाँ। ऑटो में बैठने का। हाँ। सो ये हमारा ऑटो है जिसमें हम जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं जीजू आज? हम 56 दुकान। 56 दुकान, इंदौर की फेमस 56 दुकान हम जा रहे हैं। चाट चौपाटी। और ये रहा हमारा ऑटो जिसमें हम लोग एडजस्ट होके जाने वाले हैं। तो कैसे बैठना है? पहले मैं भैयू, आप जाओ पहले, आप आगे बैठ जाओगे। ओके, उसके बाद आप जाओ। अरे नहीं आ रहा। सो इस ऑटो राइड के लिए थे पुनर्व और अनुव्या बहुत एक्साइटेड, क्योंकि जर्मनी में उन्हें डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस करने कभी नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा। तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम सब लोग निकल पड़े हैं साथ में 56 दुकान के लिए। ऑटो राइड पहली बार। फीलिंग हैप्पी? यस। कैसा लग रहा है? आपके लिए तो ये बहुत कॉमन चीज है। पुनर को इस ऑटो राइड की बहुत एक्साइटमेंट थी। हाँ। लवी को मैंने गोदी में बिठाया है। प्लेस नहीं थी, प्लेस नहीं थी, तो ये भी हमें एक्सपीरियंस करने में मिलता जर्मनी में। आप में टिपिकल इंदौरी थिंग है कि ऑटो में बैठ के ऑटो वाले भैया के बारे में पूछना, उनकी लाइफ के बारे में, कितना टाइम हो गया है उन्हें। बड़ा ही मजा आ रहा था बच्चों को भी, और उन्होंने हमें बड़े आराम से 56 दुकान पहुंचा दिया था। हम सब लोग बहुत ही खुश हैं यहाँ पे आके, और बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट है कि उन्हें क्या नया देखने मिलेगा, क्या खाने मिलेगा। चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर 56 में कि क्या स्पेशल है और हमारी 56 दुकान आखिर है कैसी। और क्योंकि अगले दिन 15 अगस्त था, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी थी, और ये सजावट जो है आसपास आपको दिख रही होगी वो भी इसी वजह से थी। एक तरफ स्टेज लगा हुआ था, और जहाँ पर मैं ये वॉक कर रही हूँ, ये 56 दुकान के सामने का एरिया है जिसके सामने काफ़ी सारी और भी शॉप्स हैं, लाइक घड़ियों की, कपड़ों की, काफ़ी कुछ आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ भी बच्चों को देखने मिली, जो कि उनके लिए भी अपने आप में एक नया अनुभव था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 56 दुकान अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल जगह है विजिट करने के लिए। इसका नाम 56 इसीलिए है क्योंकि 56 टाइप्स ऑफ यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। और ये देखिए एंट्रेंस में लिखा हुआ है 56, जो कि आपका वेलकम करता है इस फूड स्ट्रीट पर। तो इस तरीके से यहाँ पे ना सारी शॉप्स पे नंबरिंग है। तो हम खड़े हैं पहली जो दुकान है यहाँ की वहाँ पे, और यहाँ का एग बेंजो और हॉट डॉग बहुत फेमस है। जॉनी हॉट डॉग जो है शॉप नंबर 2, मेरी बहुत यादें जुड़ी है विजय चाट हाउस से। वो रहा, पापा और मैं आया करते थे यहाँ पे विजय चाट के पेटिस खाने। और भीड़ देखिए आप यहाँ पर। तो ये है हमारी 56 दुकान, लाइन से आप देखिए नंबर्स हैं। सो 56 दुकानों की ये स्ट्रीट है
जहाँ पे आपको मिलेगा डिलीशियस का खाना, हर तरह का खाना, हर तरह का स्ट्रीट फूड। सो इंदौर में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे ये आलू पेटिस पसंद ना हो, और ये कहीं और मैंने तो सुना भी नहीं है कि मिलती है ऐसी आलू पेटिस जिसमें खोपरे की फिलिंग होती है, खोपरा मतलब नारियल। तो दूर दूर से लोग आते हैं इसे टेस्ट करने के लिए। ये बहुत ही स्पेशल एंड डिलीशियस सा स्नैक है, तो इसे हम आलू पेटिस कहते हैं, कई लोग खोपरा पेटिस भी कहते हैं। तो मुझे ये बहुत ही पसंद है, मेरे परिवार के साथ इसकी बहुत यादें हैं। हम लोग स्पेशली विजय चाट हाउस आते थे ये खाने के लिए, हम सबकी फेवरेट है। मेरे बच्चे ये पहली बार टेस्ट कर रहे हैं। ये है हमारी डिलीशियस सी पैटिस, और इसके अंदर देखिए खोपरे की होती है फिलिंग। टेस्ट कर रही हूँ मैं। बेटा ले इधर मैं खिलाऊं। दीदी अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं यंग तरंग, जहाँ पर बहुत ही डिलीशियस पानी बताशे मिले। पानी बताशे यानी गोलगप्पे। सो आप लोगों में से कौन कौन गोलगप्पे को पानी पताशे कहता है मुझे बताइएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए, और कितने एक्साइटेड हैं हम सब, बिल्कुल बच्चों की तरह पूरे परिवार के साथ इस तरीके से आके खाने का तो मजा ही कुछ और है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन हमने अपने लिए एक जगह बना ली है। इसी तरीके से स्ट्रीट पे आपको खाना पड़ता है, लेकिन ये जो गोलगप्पे हैं बहुत टेस्टी है, यंग तरंग। तो यहाँ पे मैं मुझे याद भी नहीं है, ऑलमोस्ट 10-15 साल से भी ज्यादा जब भी आती हूँ मैं यहीं पे गोलगप्पे खाती हूँ। तो चलिए, कितने सालों से बना रहे हो? ये तो हमको हो गया 40 साल हो गया। 40 साल मैं ले ले। तुम गोलगप्पे खाने वाली हो? सब गोलगप्पा। सो गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं, और कई तरह का पानी होता है। और मैं आपको बता दूं कि NRI गोलगप्पे भी मिलते हैं, तो अगर आपको पानी से प्रॉब्लम है तो आप NRI गोलगप्पे भी ज़रूर खाइए। और उसके बाद हम लोग गए जॉनी हॉट डॉग, जो कि बहुत फेमस है वो खाने के लिए। ये है हॉट डॉग जिसके अंदर ना प्लेन जैसी टिक्की है, ये एग बेंचो भी मिलता है जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स है मेरे, तो इसको हम ट्राई करते हैं। मस्त बटर में सिकी हुई ब्रेड है, बहुत गर्म है, और इसके साथ ये टेस्टी तो प्याज। एक्चुअली मैम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, वेरी टेस्टी जॉनी हॉट डॉग। तो अब हम लोग जाएंगे मधुरम स्वीट्स। मैं शॉप नंबर बताती हूँ, जो हमने हॉट डॉग खाया था वो कौन सी शॉप थी अजितेश? 52। वैसे और भी है 56 शॉप तक, आप 56 डिफरेंट आइटम ट्राई कर सकते हैं। मेरी इतनी एनर्जी और इतनी एपेटाइट नहीं है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की है, जैसे मैंने विजय चाट की पेटिस खाई, हॉट डॉग खाया, दाबेल और क्या, अब हम हाँ गोलगप्पा खाया, और अब हम जा रहे हैं मधुरम स्वीट का स्वीट खाने। लेकिन यहाँ की दाबेली भी बहुत अच्छी है, और बाकी और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, एक दिन में कवर करना मुश्किल है। लाडली बहुत स्पेशल है। तवा आइसक्रीम खाई है कभी तूने? कहा है ये लिखा है तवा आइसक्रीम, ठंडा गरम होता है। चले अंदर। वो एक अलग अंकल होते थे पहले। अंकल अभी नहीं है। अंकल नहीं अभी। कोई बात नहीं। आनो भी चलो मिठाइयाँ खा सकते हैं। मैं तो छेने की लूंगी जीजू, तो बताती हूँ कौन सी। ये फेमस खाती सकते भी खाओ। वाओ। चार पीस खाने के लिए यहीं पे।
तो ये है मधुरम स्वीट्स और यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ का मूंग दाल का हलवा हम सबको बहुत पसंद है। और ये वाली जो छेने की मिठाई है ना, जिसमें बीच में मावा भरा होता है, ये मेरी फेवरेट है, जिसे मैं बहुत मिस करती हूँ जर्मनी में, क्योंकि रसगुल्ले मिल जाते हैं पर ये मिठाई का मजा सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। सबको नमस्कार कर दीजिए अंकल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, शुभकामनाएं। तो ये अंकल की शॉप में मुझे याद भी नहीं है, मैं छोटी सी थी तब से आती हूँ हमेशा, और सबसे इतनी अमेजिंग मिठाइयाँ इनके यहाँ पर, मुझे पता चला अनगिनत लोग आते हैं एवरी डे। और ये देखिए रसमलाई, रबड़ी और मक्खन पड़ा, मोतीचूर लड्डू, सोन पापड़ी, काजू बादाम की मिठाई, ब्रेक बादाम खाते हैं, ले जाते हैं, ब्रेक कराते हैं। समाज के बहुत गौरव है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, हमारे बच्चों को भी दिखाया, ये हमारा जो भारतीय जो मिष्ठान है उसकी शान है आपकी दुकान। आप आए, हमको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी मूड बहुत फेमस है। तो मेरी हालत देखिए आप, और ये हालत हुई है खा खा के। तो बहुत ही टेस्टी खाना और बहुत ही टेस्टी सा डेजर्ट लिया हमने। अब गए हैं ये लोग कुल्फी लेने के लिए, लेट्स सी कुल्फी कैसी होती है। वैसे यहाँ का क्राउड देखिए आप, तो ये 56 के साइड में बैठे हुए, इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, आसपास का नज़ारा भी। और देखिए इतने लोग खा रहे हैं फिर भी गंदगी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है इंदौर के बारे में। आपकी और कुणाल की लेना, मैंने भी हूँ। चाय यही पी ले क्या? चाय यही पी ले। और एंड में आ गए हम ये चाय सुट्टा बार पे, जो कि काफ़ी फेमस एक चाय कॉर्नर है यहाँ की चाय टेस्ट करने के लिए। और हमें निकलना भी था क्योंकि बारिश सा मौसम हो रहा था, तो उसमें तो चाय का मज़ा और डबल हो जाता है। सो ये रही चाय सुट्टा बार की चाय। कैसी है? सो दोस्तों ये थी मेरी लॉन्ग अवेटेड 56 दुकान विजिट विथ माई फैमिली। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं 56 दुकान जाऊंगी, तो वहाँ पे और भी कई डिफरेंट वैरायटी मिलती है खाने की, वो भी आपको दिखाऊंगी, एंड बड़े ही मज़ेदार नामों वाली चीज़ें, जैसे घमंडी लस्सी, तवा आइसक्रीम, लाडली बहू आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें भी हम ट्राई करेंगे होपफुली नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ लाइक करिए इफ़ यू वॉच माई व्लॉग एंड वॉच माई व्लॉग टिल दी एंड। सो मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।